दुनिया में ऐसे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट हैं जो अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर हैं। लगभग हर होटल अपने आप में एक ना एक खासियत समेटे होता है। कहीं लोगों को टॉयलेट सीट के आकार के टेबल पर बिठाकर खाना सर्व किया जाता है, तो कहीं कुछ जगहों पर तो रोबोट वेटर का काम करते हैं। वहीं जापान में एक ऐसा खास रेस्तरां है जहां पर खाना सर्व करने के लिए ना तो इंसानों को और ना ही रोबोटों को भर्ती किया गया है, बल्कि आप सोचेंगे ऐसे में कि आप खाना सर्व करता कौन है। तो हम आपको बता दें कि जापान के इस खास होटल में बंदर ही वेटर का काम करते हैं। जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच बात है। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ इंसानों की जगह बंदर लोगों को खाना परोसते हैं। यह रेस्टोरेंट टोक्यो में है। इसका नाम काबुकी रेस्टोरेंट है। चलिए बताते हैं आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित काबुकी रेस्टोरेंट में बंदर एट चैन और फुकू चैन 2008 से वेटर का काम कर रहे हैं। इनमें से एट चैन बड़ा है। जैसे ही कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है, दोनों बंदर अपने काम में लग जाते हैं। एक कस्टमर को उसकी सीट तक ले जाता है और दूसरा उसके हाथ पोंछने के लिए टॉवल लेके आता है। उसके बाद एक बंदर उनसे ऑर्डर लेता है और दूसरा बंदर ऑर्डर सर्व करता है। रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें पाल रूप में लेकर आया था, लेकिन जब बड़े बंदर एट चैन ने रेस्टोरेंट के काम पर दिलचस्पी दिखाना शुरू किया, तो मालिक को लगा कि ये बंदर रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं। फिर एक दिन मालिक ने कस्टमर के आने पर एट चैन को गर्म टॉवल दिया। एट चैन उसे सीधा कस्टमर को दे के आ गया, जैसा कि उसका मालिक कह रहा था। रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार उन्होंने कभी भी एट चैन को कोई ट्रेनिंग नहीं दी। उसने सब कुछ मुझे देखकर अपने आप सीखा है। हालांकि फूक चैन को उन्हें ट्रेन करना पड़ा। इन मंकी वेटर से मालिक और वेटर दोनों ही बहुत खुश हैं। कस्टमर्स के अनुसार इंसानी वेटर्स की तुलना में यह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंसानी वेटर्स की तरह इनके व्यवहार को लेकर कभी भी शिकायत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि यह कभी भी टिप नहीं मांगते हैं। मालिक के लिए खुशी की बात यह है कि इन मंकी वेटर्स ने उन्हें कभी भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। एक ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर को एकदम सही समझते हैं और टेबल तक वही चीज पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक मजे की बात यह है कि उन्हें तनख्वाह या पेमेंट में केवल सोयाबीन चिप्स देनी पड़ती है। हालांकि इन बंदरों से वेटर का काम करवाने के लिए इनके मालिक कोरू ओत्सुकु ने सरकार से इजाजत ले रखी है, पर वो इन बंदरों से दिन के कुछ ही घंटे काम करवा सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट के मालिक तीन और बंदरों को प्रशिक्षण देकर तैयार कर रहे हैं।